देर वाज नो यूज़ ऑफ़ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट के वावेला करने का प्रोटेस्ट का मतलब वावेला करना एहतजाज करना इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ फॉर नो बट यू बिलीवड हिम लेकिन क्योंकि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था मिस्टर मनाना रिपीटडली मेनटेन मिस्टर मनाना बार बार यही कह रहा था मेनटेन का मतलब यही कह रहा था कि ह्यूबर्ट ने वो बटवाऊ उठाया था मेनटेन का मतलब वही बात बार बार दोहरा रहा था मतलब वही कह रहा था बार बार एक घंटे तक दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते रहे फिर उसके बाद मिस्टर ह्यूबर्ट के अपनी दरख्वात पर मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली ले गई लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला आखिरकार मेयर ने ये जो ह्यूबर्ट को डिस्चार्ज कर मतलब भेज दिया उस वार्निंग के साथ इस तमबी के साथ कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिले कंसर्ट का मतलब मिले पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवामी वकील प्रोसिक्यूटर वकील होता है जो आम इंसान जो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो उसकी तरफ से जो है वो अदालत मुहैया करती है तो अदालती वकील से मिले तो ये कर लें अदालती वकील से मिले या अमी वकील से मिले और फिर उसके बाद मज़ीद जो अहकाम है वो उसे पूछे कि क्या हैं तो जब वो मेयर के दफ्तर से वो रवाना हुआ तो आ, लोगों ने पीपल लोगों ने उसको घेर लिया और उसको बड़े तजस बड़े अंदाज में संजीदगी से सवालत करते रहे लेकिन उस जो पीस ऑफ स्ट्रिंग वो जो रस्सी थी उसकी कहानी पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था इसके बजाय लोग उस पर हंस रहे थे वो ह्यूबर्ट जो है वो आ, अपने दोस्तों को स्टॉपिंग रोक रहा था और उसके बाद उसका स्टेटमेंट बार बार बयान दे रहा था मतलब बार बार अपने बात कर रहा था बात सुना रहा था सच्चाई की गवाही दे रहा था एंड प्रेजेंटेशन और अपनी सच्चाई की बात बता रहा था मतलब अपने दोस्तों को बार बार रोकता था और उनसे कहता था कि मैं ठीक कह रहा हूँ बार बार उन अपने बात दोहराता और उनको सच्चाई की इसका यकीन दिलाता और बार बार वो अप, उसके सबूत में अपनी जेब बाहर निकाल कर दिखाता था लेकिन सब ये कह रहे थे कि तुम तो उस बूढ़े शैतान यहाँ से चले जाओ तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो गांव में चला गया और हर शख्स जिसको वो जानता था इस बा इसके बारे में ब, बताता रहा एडवेंचर का मतलब इसके बारे में या इस जो भी वाक्य एडवेंचर का मतलब वाक्य लिखना है मुहिम नहीं लिख देना बट ही मेट विद इनक्रेडिल लेकिन उसको को के अलावा कुछ नहीं मिला मेट का मतलब मिला तो उसको बेयकीनी के अलावा कुछ नहीं हासिल हुआ इसकी वजह से वो बीमार पड़ गया अगले दिन जो है वो सपहर के वक्त एक आदमी यानी अगले दिन ही जार्ज नामी एक आदमी था उसने बटवा उसके सामान समेत कंटेंट्स का मतलब उसके सामान समेत मिस्टर जेम्स के हवाले किया जो कि उस बटवे का मालिक था <खँँँ> जार्ज ने कहा क्लेम का मतलब दावा किया कि यानी जार्ज ने बताया कि उसको विलेज मार्केट जो गांव की जो का बाज़ार था उसकी सड़क पर जो है बटवा मिला था लेकिन वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था इसलिए वो बटवा जो है उसने अपने मालिक को दे दिया मतलब जिसका वो मुलाजिम था उसके उस शख्स को दे दिया <coughs> ये बात जो है वो आग की तरह अड़ोस पड़ोस में फैल गई नेबरहुड का मतलब अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द तो हर जगह पर यह खबर आग की तरह फैल गई मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो आज उसको भी बताया गया और आखिरकार वो ट्रायम्फ जीत गया था ही वॉज इन ट्रायम्फ वो कामयाब हो गया था तो वो बात मैं कहता था वट ग्रीव मी एज मच वॉज नॉट द थिंग इट जो मुझे ज़्यादा परेशान करती थी वो बटवा नहीं था एज द लाइंग बल्कि वो झूठ था जो मेरे ऊपर लगाया गया देर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कार्ल्ड अ लायर झूठा कहलाने से बढ़कर कोई और शर्मिंदगी की बात नहीं है यानी वो सच्चा इंसान था तो उसको झूठा कहलाने से बढ़कर वो कहता है इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं वाट एवर रिजन ही गेव जो भी वो वजह बताता पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे विलिंग का मतलब तैयार नहीं थे वो उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे दो आर लाइंग एक्सक्यूज ये सब झूठे बहाने हैं जब वो जाता तो उसके पुछते पीछे ये कहते थे कि ये सब झूठे बहाने हैं ह्यूबर्ट को जो वो शेम और डिसग्रेस थी शर्मिंदगी और जो बेइज्जती थी वो उसकी ज़ात उसकी इज्ज़त नफ्स सेल्फ एस्टीम का मतलब इज्जत नफ्स और उसके किरदार फेल्ट महसूस हुई यानी उसको अपने इज़्ज़्ज्ज़्ज़त नफ्स और अपने किरदार पर वो जो शर्मिंदगी और बेइज्जती थी वो उस वो महसूस हुई उसका दिल बुझ गया और लोगों की आंखों के सामने वो वेस्ट अवे यानी मतलब कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया लोगों ने ये कहानी जो है वो एक दूसरे को मज़ा लेने के लिए सुनानी शुरू कर दी और वो इस तरह सुनाते थे इन मैनर ऐसे अंदाज़ में जैसे कोई सिपाही सुनता हो ड बिन ऑन ए कंपेन जो किसी जंग पर गया हो एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स और अपनी जंगों के बारे में वो सारा वाक़ सुनाता हो तो जिस तरह वो फौजी सुनाता है आकर उस तरह वो एक दूसरे को ये कहानी सुनाया करते थे ह्यूबर्ट ह्यूबर्ट का दिल जख्मी हो गया और वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया और फिर इसी महीने के आखिर में वो बिस्तर पर जा लगा और अगले महीने के पहले ही हफ्ते में वो मर गया इन द डिलीवरीम ऑफ इस डेथ स्ट्रगल जब वो मौत से लड़ रहा था उस बेहोशी के आलम में डेलीम का मतलब उस जब वो उस के बावजूद के वो मौत के हालत में था तो वो उस में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर होश उवास में नहीं था लेकिन इसके बावजूद क्लेमिंग इज इन सेंस वो अपने बेकसूर होने का ही बार बार जो है वो दोहरा रहा था रिट्रीटिंग का मतलब दोहरा रहा था वो अपने बेकसूर होने इन ओ सेंस मसूमियत अपने बेकसूर होने की बात बार बार दोहरा रहा था वो सिर्फ रस्सी की टुक रस्सी का टुकड़ा था वो सिर्फ रस्सी का टुकड़ा था मैं अपने इज्जत की कसम का तो मैं झूठ नहीं बोल रहा और फिर वो मर गया सुना है कि बाद में वो इट इज सेट का मतलब सुना है दैट ए ग्रेट फ्लड इन इट्स रा, ग्रेट रात कैरड अवे के एक सैलाब आया जो जिसने अपने पूरे रात गज़ब में गजनाक गज़बनाक सैलाब आया जिसने लोगों को और उनके तमाम जो सामान था वो सब को बहा कर ले गया आ, लेकिन जो ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट जो ह्यूबर्ट का जो मकबरा था विस्टूड दैवक ऑफ द फ्लड वो इस सैलाब की तबाहकारी से बच गया हैवक का मतलब तबाहकारी विस्टूड बच गया वो इस सैलाब की तबाहकारी से बच गया और उसके जो टोम ट स्टोन जो कतबा था टोम्पटों का मतलब होता है जो पत्थर का वो टुकड़ा लगाते हैं जिसको कतबा कहते हैं उर्दू में उस पर कंधा था तराशा हुआ था उसके मौत के कई सालों के बाद उस पर कतबा लगा जिस पर यह तराशा हुआ था कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स दफन है जिसने सच के अलावा कुछ नहीं बोला वो एक ऐसा शख्स यहाँ पर लाइज दफन है जो अपनी बेकसूरी यानी अपना जो मासूमियत है वो साबित नहीं कर सका लेकिन उसकी बेकसूरी को सैलाब ने साबित किया तो ये तर्जुमा आपने सुना थैंक यू अल्लाह हाफिज़